वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं तरकारी की बिरयानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चावल ले लीजिए, इसको आधा घंटा पहले धो दीजिए चावल को, और इसमें 4 डल्ली प्याज काट के रख लीजिए, और आधा किलो आलू ले लेना है गाइस, और इसको में गाजर ले लेना है 1.25 किलो, और आधा पुदीना, आधा कट्टा पुदीना ले लीजिए, 1.25 कट्टा कोथमीर ले लीजिए, और 1.25 किलो बीन्स की फली ले लीजिए गाइस, और 1.25 किलो बीन्स ले लेना है, और 1.25 किलो सेम की फली ले लेना है, और 15 इलायची ले लेना है गाइस, और ज़ीरा ले लेना है थोड़ा, और ये शाह ज़ीरा ले लेना है, और यहाँ ज़ीरा, और 3 चमचे मिर्ची ले लेना है गाइस, और ये फूड ऑरेंज कलर ले लेना है एज यूजुअल जो बिरयानी में डालते हैं, और 4 नींबू का रस निकाल लीजिए, और 1 स्पून हल्दी ले लीजिए, आधा किलो दही ले लीजिए, 2 चमचे अदरक लहसुन ले लीजिए गाइस, 1.5 चमचा चावल में नमक डालना चाहिए, और आधा चमचा तरकारी में, 1 कटोरी तेल ले लीजिए, और प्याज अच्छे से तल लेना है गाइस, प्याज अच्छे से तल लेना है, जब लाल हो जाए, ब्राउन होना चाहिए गाइस। सकते हैं गाइस, अभी अपन बिरयानी का आधन हो रहा है, चावल डाल दीजिए, देख सकते हैं गाइस अभी प्याज भी तले जा रही है। प्याज को ऐसे हिलाते जाना है गाइस कि जब तक ब्राउनिश ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए, जब तक इसे हिलाते जाना है गाइस। अब प्याज भी हो चुकी है अपनी ब्राउन वाली, अब नेक्स्ट आलू तल लेंगे। आप लोग देख सकते हो गाइस, आलू भी तले जा रहे हैं गाइस, देख सकते हो आलू भी रेडी हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। चावल भी रेडी हो चुके हैं गाइस,